नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर, जहां रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पार्षद ने हंगामा कर दिया। महिला पार्षद धरने पर बैठ गई हैं, जिन्हें समझाइश देने के लिए अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह घंटों हंगामा करती रही, कर्मचारियों के ऊपर अभद्रता करने का आरोप लगा रही हैं। बताया जाता है पर्ची बनवाने के दौरान धक्का मुक्की हुई थी, जिससे आक्रोशित पार्षद भड़क उठी और हंगामा किया। देखिए दृश्य और सुनिए क्या कहना है। समस्या तो यहाँ बहुत बड़ी है। सुपर स्पेशलिस्ट के नाम पे लोग यहाँ तानाशाही दिखाते हैं। हम यहाँ सुबह अपने खुद को दिखाने आए और हमने पाया कि यहाँ एक तो स्टाफ लेट जाता है, और लोगों के कहने पे कि मैडम पर्ची काट दीजिए, पहले स्टाफ आई, एक मैडम आई और बहुत देर तक खड़ी रह गई इधर उधर करते हुए। तो एक पेशेंट बोली कि मैडम थोड़ा हमारा सीरियस पेशेंट है, तो बहुत जल्दी काट दीजिए। बोल जब मेरी मन होगी तब काटेंगे, तुमको समय का पता नहीं है। तो वो बोली कि मैम आप खुद ही लेट हैं, एक तो 9 बजे का समय, आप खुद 10 बजे आई हैं और अभी भी इस तरह तानाशाही। मतलब वो बहुत अभद्र व्यवहार करी और उसे लड़ने लगी, और वो छात्रा जो थी तो वो भी नीट की तैयारी में समथिंग उसका रिजल्ट आ गया है और वो अगले सेशन में हो भी जाएगा। तो ये फिर हम लोग खड़े ही रह गए, लाइन में लगे ही रह गए। इतने में एक जेंट्स आता है और तुरंत कुछ ऐसे लिख के और देता है, मैडम पर्ची काटिए, उसकी तुरंत पर्ची कट गई। पुलिस की 2 लाइनें लगी थी, पुलिस के वो लाइन में ना जाके वो महिलाओं के बीच से आता है, और इतने में हमारे हस्बैंड ने कहा कि भैया आपने क्यों कटवा लिया भाई, अभी तो महिलाओं की लगी लाइन ही लगी और आप आगे जाके ऐसे बीच में घुस के कैसे पर्ची कटवा सकते हैं। बोले कि अरे मैं स्टाफ हूँ, जो करना चाहूँगा कर लूँगा, और आप क्या कर लोगे मेरे, आप हो कौन, अभी मैं मोबाइल आपका जब्त, ये मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे। तो बोला मोबाइल जब्त कर लो, वास्तव में मोबाइल छुड़ा के और पटकने ही वाला था। तो इतने में छीना झपटी हो गई और इन मोबाइल इनने छुड़ा लिया। मतलब स्टाफ की इस तरह की तानाशाही और सुपर स्पेशल में शोभा नहीं देती है। ठीक है, नहीं तो राउंड में चले गए, राउंड के बाद आए 2-4 व्यक्तियों को देखे अपने घर चले गए। मतलब जनता परेशान रहे, या जनता जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं किसी से। ये जनता के प्रति, वो जनता के नौकर हैं, जनता इनके नौकर नहीं है। चूँकि दिन पेशेंट ज़्यादा थे, भीड़ ज़्यादा थी, हमारा जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उस पर काफ़ी लोगों की पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई थी, और कुछ समय के लिए हमारा सर्वर थोड़ा डाउन हुआ था, जिसके वजह से पेशेंट्स थोड़ा सा धैर्य खो रहे थे। उस चक्कर में कुछ बहसबाजी उनके साथ हुई है, और जो हमारा स्टाफ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे था उसके द्वारा उनसे कुछ बहस हुई है। उसके साथ ही जो गार्ड थे वो उनकी भी कुछ उनकी बहस हुई, क्योंकि वो स्टाफ थे, उनका शायद मानना ये था कि हमारा पहले होना चाहिए, और इस वजह से बहसबाजी हुई। और उसके लिए हमने व्यापक कार्रवाई करते हुए उस जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्टाफ थी उसको चेंज कर दिया, और उसकी जगह दूसरे स्टाफ को ला के कहा है सुपरवाइज़र को, और उसने चेंज करके दूसरे स्टाफ को काम करने के लिए लगा दिया है। तो यहाँ शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और जो कर्मचारी आए हुए हैं यहाँ आउटसोर्स्ड, वो इतने ट्रेंड नहीं है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है या कैसे अटेंड करना है, तो उनकी कुछ बहस हुई होगी, और संभवतः वो स्टाफ उस तरह से बात नहीं कर पाया होगा जिस तरह से उसको करनी चाहिए, तो उससे नाराज़गी थी। और सेवाओं को लेकर के जो भीड़ है यहाँ पर, सुपर स्पेशलिटी बहुत हाई एंड हॉस्पिटल होता है और इसी हिसाब से पूरा तैयार किया जाता है, उसका OPD का लोड साधारण अस्पतालों से ज़्यादा हो गया है, तो जो डिज़ाइन स्टाफ है, डिज़ाइन कैपेसिटी है, हम उससे बाहर जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो स्टाफ हो वो कम से कम 5-10 गुना एफिशिएंट स्टाफ हो नॉर्मल हॉस्पिटल के, और उनमें यहाँ के मैनेजमेंट का कोई जोर नहीं है, क्योंकि वो ठेके हो रहे हैं दिल्ली या भोपाल से। तो एक असुविधा तो अस्पताल प्रबंधन को ये हो रही है कि उनको ट्रेंड स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ मिले कैसे जो अस्पताल को उस तरह से चला सके जैसे उसकी उनकी मंशा है। तो इस अस्पताल के बारे में जो भी प्रबंधन हम लोग सुन रहे हैं वो थोड़ी समन्वय की कमी है। सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि जो वीडियो आज वायरल हुआ है नम्रता सिंह और संजय सिंह द्वारा किया गया है, उस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि आमजन जो मरीज इलाज कराने के लिए सुपर स्पेशलिटी में आए हुए हैं, आज भीड़ होने की वजह से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और उस लाइन में आपके जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं नगर निगम से, आपकी निर्दलीय पार्षद हैं नम्रता सिंह जी रीवा नगर निगम से, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसके बाद भी वो
आम जन के साथ लाइन में लगी हुई थी, उस भीड़ का हिस्सा थी। उन्होंने बिल्कुल यह नहीं दर्शाया कि मैं अलग हूँ, उन्होंने बिल्कुल भी सिफारिश का प्रयास नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगी हुई थी। उसी बीच यहीं का एक कर्मचारी जो है, सुपर स्पेशलिटी का कर्मचारी जो है, लाइन से हटकर महिलाओं वाली लाइन में जाकर सबसे आगे जाकर, जो लाइन में था ही नहीं, सबसे आगे जाकर काउंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करता है, किसी और के लिए प्राप्त करता है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप इस लाइन में आगे जाकर क्या कर रहे हैं, आप क्यों रजिस्ट्रेशन किसी और का ले रहे हैं, आप वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है जब संजय सिंह द्वारा, तो उनसे अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उनका मोबाइल छोड़ने का प्रयास किया जाता है। जब उसकी शिकायत गार्ड द्वारा की जाती है, गार्ड से की जाती है, तो गार्ड भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। तो ये जब आम लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं, जनप्रतिनिधि से ऐसा व्यवहार करते हैं, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, 5-6 दिन पहले की एक न्यूज आई थी कि संजय गांधी अस्पताल में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कुछ लोगों ने ये आपत्ति की थी कि वो लोग खाना खा रहे थे कहीं अस्पताल में ही बैठ के किनारे, अपने मरीज को देखने के लिए वो आते थे, मरीज को भर्ती किए हुए थे, और डॉक्टर ने उनके साथ गलत हरकत की, अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। तो मैं इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि आप भाषा स्ट्रेस में हो तो आप भाषा का ही मर्यादा का ही आप भूल जाओ कि कैसी भाषा का आपको बोलना है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अगर आम जन के लिए भीड़ लगी हुई है, तो आम जन में अगर पार्षद भी आती हैं तो फिर सुपरवाइजर भी आता है।